हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल में। आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपको ये तेजी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। हाँ फ्रेंड्स, अभी अभी खबर आई है कि सुजलॉन एनर्जी को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कौन सी कंपनी से बड़ा प्रोजेक्ट मिला है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आपके पास सुजलॉन के शेयर्स है तो बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये एक बड़ी उड़ान पकड़ने वाला है फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट लेवल और टारगेट क्या होगा वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। और जो फ्रेश निवेश करना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या ये सही लेवल है उन्हें फ्रेश बाइंग करने के लिए, वो भी हम जानेंगे। और दोबारा से बता दूं, अगर आपके पास सुजलॉन के शेयर है तो बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है फ्रेंड्स। इसके रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक बने रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा की तरह एक रिमाइंडर दे देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। चलिए नेक्स्ट हम न्यूज़ देख लेते हैं क्या निकल कर आई है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुजलॉन सिक्योर्स मेजर ऑर्डर फ्रॉम टोरेंट पावर फॉर 300 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है सुजलॉन एनर्जी को, जिसकी वजह से आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं क्या न्यूज़ निकल कर आई है। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सुजलॉन अनाउंस्ड ऑन वेनेसडे दैट इट हैज सिक्योर्ड ए सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्रॉम टोरेंट पावर लिमिटेड। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है टोरेंट पावर लिमिटेड की तरफ से, और सुजलॉन एनर्जी ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है फ्रेंड्स, और लगातार टोरेंट पावर सुजलॉन को प्रोजेक्ट देता हुआ आ रहा है फ्रेंड्स। अगर हम और आगे देखें फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं सुजलॉन विल इंस्टॉल 100 विंड टर्बाइन जनरेटर्स विथ ए कैपेसिटी ऑफ 3 मेगावाट ईच। तो 100 विंड टर्बाइंस जनरेटर इंस्टॉल करेंगे सुजलॉन, और ये रहेंगे HLT यानी कि हाइब्रिड लेटेस्ट ट्यूबुलर टावर्स पर। यहाँ आप देख सकते हैं दिस ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द सिक्स्थ एंड लार्जेस्ट एक्विजिशन फॉर सुजलॉन 3 मेगावाट सर्विस विद इन ए मंथ। एक महीने के अंदर अंदर ये सिक्स्थ लार्जेस्ट ऑर्डर मिला है उन्हें, और ये इंडिकेट करता है कि विंड एनर्जी की काफी डिमांड है मार्केट में। और इसके साथ साथ आप यहाँ लास्ट पैरा में देख सकते हैं फ्रेंड्स, एडिशनली द कंपनी विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज अपॉन द प्रोजेक्ट कम्प्लीशन। प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने के बाद इन्हें मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी फ्रेंड्स, जो कि एक अच्छी खबर है सुजलॉन के लिए और सुजलॉन के शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर हम आगे देखें फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं JP चलासानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजलॉन ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि हम खुश है हमारे फोर्थ ऑर्डर को लेकर टोरेंट पावर लिमिटेड के साथ, और जो टोरेंट पावर की तरफ से उन्हें प्रोजेक्ट मिला है ये एक रिपीटेटिव प्रोजेक्ट है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो बताता है कि सुजलॉन कितना रिलायबल है और टोरेंट पावर का ट्रस्ट जीता है सुजलॉन ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले फ्रेंड्स एक लाइक बटन दबा दीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। आई होप आपने लाइक बटन दबा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम चार्ट पर बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी का नेक्स्ट लेवल और टारगेट क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। लगातार पिछले 3 दिन से ग्रीन कैंडल बनती हुई आ रही है फ्रेंड्स, और आप यहां देख सकते हैं वॉल्यूम में भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। लगातार 3 दिन से अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर हम विलियम परसेंटेज देखें तो विलियम परसेंटेज ओवरबॉट की जोन में एंटर कर चुका है फ्रेंड्स, और RSI अभी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि जिस तरह का कैंडल बना है वो इंडिकेट करता है कि इसमें तेजी कंटिन्यू रह सकती है फ्रेंड्स। अगर ये कल भी ऊपर की तरफ जाता है तो इसका नेक्स्ट लेवल और टारगेट रहेगा ₹10.70, इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है फ्रेंड्स। कल ये पर्टिकुलर स्टॉक या तो तेजी बताता हुआ दिखेगा या साइडवाइज दिखेगा फ्रेंड्स, लेकिन नीचे तो नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें अभी भी पॉजिटिव न्यूज जारी है और लगातार सुजलॉन को नए प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये कंसिडर करते हुए आने वाले क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर सकता है सुजलॉन। इसने क्लोजिंग दी है ₹10.05 पर, और इसका लो था ₹9.55 और हाई था ₹10.20 फ्रेंड्स। जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं ये एक अच्छा लेवल है, ₹10 पर बाई कर सकते हैं आप, और आपका टारगेट रह सकता है ₹11.70 से ₹12 हो सकता है। अगर आपके पास सुजलॉन के शेयर है तो कमेंट करके बताइएगा किस लेवल पर आपने बाइंग की है और कितने शेयर हैं। फ्रेंड्स ये तो मेरे व्यूज थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इनकरेज करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और उसके बाजू जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।